हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर प्री एजुकेशन चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 एंड द चैप्टर नंबर 3। नेम ऑफ चैप्टर इज लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 इस चैप्टर को हमने इसके पहले पढ़ा है, तो आज जो है इसका पार्ट 2 जो थर्ड चैप्टर में दिया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक एक वीडियो जो है आपके पास इस चैप्टर का पहुंचते जाएगा। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, और सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की क्या मदद होती है ह्यूमन बीइंग के लिए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसको कैसे मेंटेन रखना है, कैसे जो है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इसकी जो है हमें निगाह कैसे रखनी है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है यानी कि लोकसंख्या जो है वो बहुत ही दिन बे दिन बढ़ रही, वो इसका विस्फोट हुआ है। तो पॉपुलेशन, बढ़ते पॉपुलेशन का ह्यूमन बीइंग के ऊपर और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, इन सब के बारे में हमें इस टॉपिक के बारे टॉपिक में पढ़ना है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत जो है कुछ क्वेश्चन से की है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच आर द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होती है, तो सभी लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से, लाइफ प्रोसेसेस इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीवित रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रहता है, और इसीलिए इन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, ऑल दीज आर द लाइफ प्रोसेसेस। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी तैयार होती है एटीपी के फॉर्म में, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, तो इसके लिए कौन से लाइफ प्रोसेसेस इसेंशियल है बच्चों। हमने पढ़ा है द एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच आर द मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। तो सेल डिवीजन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा है। दो टाइप्स के सेल डिवीजन होती है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस जो है इक्वेशनल डिवीजन होती है, इसमें डिफरेंसेस हम पढ़ रहे हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम की संख्या जो है पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम रहती है। और मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या हाफ होती है पेरेंट सेल से। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स है उनके हाफ क्रोमोसोम जो है डॉटर सेल में रहते हैं, इसीलिए उसे रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। माइटोसिस में डिप्लॉइड सेल तैयार होती है और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल तैयार होती है। मेन डिफरेंस क्या है बच्चों रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है पेरेंट सेल में, इसीलिए द न्यू सेल प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सेम एज दैट ऑफ द पेरेंट सेल। बट मियोसिस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है प्रोफेज फर्स्ट में, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू जेनेटिकल कॉम्बिनेशन तैयार होती है, इसीलिए जो हैप्लॉइड सेल तैयार होती है वो जेनेटिकली पेरेंट सेल से सेम नहीं होती है, इसमें डिफरेंस होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में हमने काफी डिस्कस किया है पिछले जो चैप्टर था उस चैप्टर में। मियोसिस और माइटोसिस दोनों सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन हिस्टोन एंड सम अदर प्रोटीन। तो क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और इसके साथ साथ उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, और डीएनए का जो क्वाइलिंग होता है इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए स्ट्रक्चर फॉर्म्स द क्वाइलिंग अराउंड द प्रोटीन हिस्टोन।
तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम डीएनए मॉलिक्यूल का प्रोटेक्शन करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल का प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम्स एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स, एंड ऑल्सो क्रोमोसोम इंश्योर्स दैट दिस जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज इक्वली डिवाइड इन टू द डिवाइडिंग सेल, जो दो नए सेल डिवाइड होते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड हो, इसके लिए भी क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द मेन रोल ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिविजन। आगे बच्चों समझ में, अब जो बच्चों आपके सामने कुछ फिगर्स दिखेंगे, कुछ पिक्चर आपके सामने रहेंगे, उस पिक्चर को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टेल द लाइफ प्रोसेसेस विच यू आइडेंटिफाइड इन दिस फिगर एंड इन दिस पिक्चर्स। पहला पिक्चर आपके सामने, इस पिक्चर में आपको क्या दिखता है बच्चों, दिस इज द वन ट्विंग, ए पेरेंट प्लांट है, और इस प्लांट के एक ट्विंग्स जो है वो सॉइल के अंदर गड़ जाती है और इससे नया जो है प्लांट तैयार होता है, न्यू ट्विंग इज फॉर्म। सेकंड पिक्चर देखिए आपके सामने है बच्चों, हियर इज द हेन एंड हेन लेज द एग्स, तो जो हेन जो है वो एग्स ले करती है, और एग्स ले जब करती है तो इस एग्स से जो है हेन जो है इसके बच्चे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट फिगर देखिए बच्चों क्या दिखता है यहाँ पे, हेयर इज अ वन सीड, यहाँ पे एक सीड है एंड ड्यू टू द जर्मिनेशन द सीड इज जर्मिनेट एंड स्प्राउटिंग न्यू प्लांट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड, तो इस सीड से नया प्लांट तैयार होता है। इस फिगर में क्या देखते हैं बच्चों, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है एंड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बनता है, और दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म द सेल ऑफ दैट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म द टू न्यू सेल्स एंड दिस टू डॉटर सेल्स आर द न्यूली बॉर्न ऑर्गेनिजम्स, तो एक सेल से इस तरह से दो सेल तैयार होते हैं और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इस तरह से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। तो इस पिक्चर से हमें कौन सी प्रोसेस जो है वो पता चलती है बच्चों, वी कैन आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल दिस पिक्चर, तो इन सभी पिक्चर में हमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दिखाई देती है। तो बच्चों वी हैव स्टडीड द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, रिस्पॉन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर इसेंशियल फॉर सस्टेन एंड टू रिमेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलिव, तो सभी ऑर्गेनिजम्स को जीवित रहने के लिए ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन जो है जिससे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के अंदर जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तैयार होती है, एक्सक्रीशन के प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स, सेंसेशन एंड रिस्पॉन्स इस प्रोसेस से हमारी बॉडी जो है एक्सटर्नल स्टिम्युलाई जो है इसको रिस्पॉन्स देती है, नॉट ओनली द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिम्युलाई आर गिवन द रिस्पॉन्स बाय अवर बॉडी बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो हमारे बनती है नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम से। तो ये सभी लाइफ प्रोसेसेस जो है कोई भी सजीव जो है उसको जीवित रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉन्ग विद दैट दीज लाइफ प्रोसेसेस देर इज वन लाइफ प्रोसेसेस विच इज नॉट इंपॉर्टेंट टू लिव द ऑर्गेनिजम्स बट That life processes and name of life processes is called as reproduction. तो इसके साथ साथ ये reproduction ये life processes सभी सजीवों के अंदर होती है जिसका जीवित रहने के साथ कोई संबंध नहीं है, but this life processes is very important to maintain that continuity of the living organism. तो सभी सजीव जो है हमारे धरती के ऊपर टिके हुए हैं वो रिप्रोडक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि एक सजीव जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जो है जन्म देता है उसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म हमारे धरती के ऊपर रहता है। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, तो जो है सजीव जो है मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज, तो हमारे धरती के ऊपर कोई भी जीव जो है वो हजारों साल तक रहता है, किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। अगर कोई जीव जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका बच्चा वहां पे तैयार नहीं होगा, और पहला जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका स्पेसिफिक लाइफ स्पैन होता है, और लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद वो सजीव जो है मर जाएगा, और मरने के बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जमात जो है वो प्रजाति जो है वो लुप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से नया ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, उसके बच्चे को जन्म देता है, वो भी मर जाएगा तो उसका बच्चा यहाँ पे रहता है, उसका बच्चा जो है फिर नया ऑर्गेनिज्म तैयार करेगा उसी की तरह, तो इस तरह से वो ऑर्गेनिज्म हमारे धरती के ऊपर रहता है, तो इसी को हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ
स्पीसीज। अगर बच्चों समझने, मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज एंड सस्टेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका यही अर्थ होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, वेदर द न्यू ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर टू अर्लियर वन दैट हैज प्रोड्यूस इट। तो जिस ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, वो ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म से जेनेटिकली सेम होता है क्या? यस, द न्यू ऑर्गेनिज्म जो तैयार होता है वो पहले का जो ऑर्गेनिज्म से उसके जेनेटिकली सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग गिव्स द बर्थ टू द पपी, एंड पपी एंड डॉग्स आर सिमिलर, एक जैसे ही दिखते हैं, इसीलिए हम पपी को कहते हैं दीज आर द ऑफस्प्रिंग्स ऑफ डॉग। तो कुत्ते के पिल्ला जो है वो कुत्ते के जैसा ही होता है, देयरफॉर दे आर जेनेटिकली सेम, जेनेटिकली सेम होता है इसीलिए वो उसकी जैसे ही दिखता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिटरमाइंस वेदर द टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द स्पीसीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट। अभी जो हमने पढ़ा है कि जेनेटिकली ऑर्गेनिज्म जो है ऑफस्प्रिंग और पेरेंट जो है वो सेम होते हैं, लेकिन अब देखिए जो बच्चा होता है कुत्ते का, वो कुत्ते के जैसे होता है लेकिन एग्जैक्टली उसके जैसे नहीं होता है, एग्जैक्टली उसके जैसे, सम डिफरेंसेस इन बिटवीन देम, कोई फर्क उसमें होता है, थोड़ा फार फर्क होता है। तो ये फर्क किसकी वजह से होता है? तो हु डिटरमाइंस टू ऑर्गेनिजम्स विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट, एग्जैक्टली सिमिलर है या नहीं है, ये कौन डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है बच्चों? क्रोमोसोम्स आर द जेनेटिक मटेरियल। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। पहला जो ऑर्गेनिज्म होता है उससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, और उस ऑर्गेनिज्म में और सेल डिवीजन में कोई रिलेशनशिप है क्या? यस, देयर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस, सेल डिवीजन की वजह से ही नए ऑर्गेनिज्म जो है वो तैयार होता है, और यही हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हमें इसी बात को बच्चों पढ़ना है। तो व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो पहले के ऑर्गेनिज्म से ही तैयार होता है, पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग तैयार होता है। नो न्यू ऑर्गेनिज्म इज स्पॉन्टेनियसली फॉर्म ऑन द अर्थ, हमारे धरती के ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अचानक तैयार नहीं होता है, पहला का जो ऑर्गेनिज्म है वही ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसी प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ द न्यू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। And this reproduction is one of the very important life processes of living organism. And this process of reproduction is also one of the various reasons responsible for the evolution of each species. तो जो नए स्पीसीज तैयार होते हैं, इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन के लिए अलग अलग रीजंस है, लेकिन उसमें रिप्रोडक्शन भी एक रीजन है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है और नई स्पीसीज जो है हमारे धरती के ऊपर तैयार होती है। तो बच्चों रिप्रोडक्शन दो प्रकार के हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन है। पहले तो हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। मेन डिफरेंस क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बच्चों? एक ही पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर द टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल एंड फीमेल। एंड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है जिसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होता है पेरेंट के जैसा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, देयरफॉर देयर ऑकर द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, एंड ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म इज नॉट जेनेटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द एग्जैक्टली नॉट जेनेटिकली सिमिलर टू दैट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट्स से जेनेटिकली सिमिलर है, पेरेंट्स की जीन उसके अंदर है, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता है क्योंकि दो पेरेंट्स के जीन्स जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म
by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. तो गैमेट्स का यूनियन होने के बिना जो रिप्रोडक्शन होता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहते हैं, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. गैमेट इन्वॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि एक ही पेरेंट्स जो है और उससे नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. और जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो आ गया बच्चों समझ में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट होता है और दिस इज द रिप्रोडक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट. तो गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है, इसकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है. अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो देखिए बच्चों, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, डज नॉट इन्वॉल्व द यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स. दो गैमेट जो है उसमें नहीं होते, पेरेंट्स मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होता है. सेकंड, द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्ट जेनेटिकली सिमिलर विद द प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो एग्जैक्टली सिमिलर होता है पेरेंट के जैसे, क्योंकि इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते. और जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन से होता है. हमने पढ़ा है माइटोटिक सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स जो है वो पेरेंट और डॉटर सेल में सेम होते हैं. इसकी वजह से जो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो पेरेंट से जेनेटिकली सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखिए बच्चों, दिस इज अनपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड इट ऑकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन. ये अनपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, इसमें एक ही पेरेंट होता है और इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होती है. फोर्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, द अब्सेंस ऑफ जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन इज द ड्रॉबैक वेदर द फास्ट प्रोसेस इज द एडवांस ऑफ दिस मेथड. तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है क्योंकि माइटोटिक सेल डिवीजन होती है, इसीलिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. और इसकी वजह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट लीड्स टू द इवोल्यूशन. तो नई स्पीसीज जो है ये जन्म नहीं लेगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. और जो है फास्ट रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्या होता है ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फास्ट होती है जिसकी वजह से नए ऑर्गेनिज्म जो है इसकी संख्या बहुत जल्दी बढ़ती है. तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है. तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो जो है इसका आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. और आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like and share the video. Thank you.